देखते हैं यहाँ पे बाइक चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी यहाँ पे, और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने की ना कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं तकरीबन 2, तो 2 बजे मैं आज व्लॉग स्टार्ट करने लगा हूँ, तो समझ नहीं आ रही क्या व्लॉग करूँ क्या ना करूँ, तो इसी वजह से आज व्लॉग भी मैंने 2 बजे स्टार्ट किया है। तो वैसे एक व्लॉग जो था उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी, तो वो चेंजिंग करके अभी मैंने अपलोड कर दिया है, वो लग गया है। तो अभी दूसरा व्लॉग जो स्टार्ट करने लगा, तो वैसे मैं सोच रहा हूँ यार कटिंग है ना अपनी करवा लूँ साइड से, ऊपर से बाल छोटे हैं साइड से ना मैं बाल छोटे करवा लूँ, ज़रा लेवल से हो जाएंगे, अभी और तरह के लग रहे हैं फिलहाल। तो पहले देख लेते हैं खाना पक गया तो खाना खाते हैं फिर चलते हैं बाल कटवाते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बना पड़ा, सारा सफाई हुई पड़ी है, तो आज मेरा ख्याल खाना मेरा फिलहाल भी नहीं देखा। अभी फिलहाल ना रोटियाँ पकी हुई हैं ना यहाँ पे कुछ पका पड़ा, 2 बज गए हैं, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, तो पता नहीं क्या बनेगा। अभी मैं जाकर अपनी चूल्हे देख लूँ, तो मैं पानी वगैरह डालना भूल ही गया, तो अभी जाकर मैं पानी वगैरह डाल देता हूँ। तो गए खाना पक चुका है, तो खाने में रोटी और साथ दाल और साथ आम का चार ये लगाते हैं और खाते हैं खाना। बाल कटवाने का मेरा मूड जो है अभी चेंज हो चुका है, तो अभी बालों को बड़ा होने देंगे फिर कटवाएंगे। अभी इस तरह ना अच्छे से सेट नहीं हो गए, एक मरतबा बड़े होंगे ना फिर छोटे करवाएंगे फिर सेट होंगे। तो अभी फिलहाल ना नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, तो मैंने कहा था बाल कटवाएंगे इसलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, आज अभी चेंज कर लेते हैं। आज सुबह से इतनी ज़्यादा बिजली जा रही है ना कसम से, बार बार बिजली जाई जा रही है। तो अभी मैं नहाने लगा था तो पिछले दिन बिजली चली गई, तो फिर मोटर बंद हो गई, तो फिर टैंकी के गर्म पानी से ना आ गया अभी बाहर आया, और कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए। तो यार मुझे आज समझ नहीं लग रही है यार, सारे दिन जो है मैं घर रहता हूँ, तो ब्लाउज समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊँ। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो फिर मुझे आइडियाज़ दिया करें कि मैं आज इस आइडियाज़ पे वीडियो बनाऊँ, आज इस आइडिया पे वीडियो बनाऊँ, तो आपकी सपोर्ट चाहिए। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें, तो मेहनत मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा, बस आप आइडियाज़ बताएं तो उन आइडियाज़ पे वीडियोस बनाएंगे। वैसे तो घरेलू लाइफ जो है आपके सामने ही मेरी, तो उस तरह की गुजार रहा हूँ। एक टूर निकालना था तो वो भी फिलहाल अब पेंडिंग पे चला गया, पेंडिंग पे नहीं ख़त्म ही हो गया क्योंकि मैंने अभी मोबाइल ले लिया अपना। तो ये उस टूर के लिए मैंने टूल किट भी खरीद के रख ली थी और ये सारा कुछ, तो अभी ये फ़िलहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर पे जब कभी भी लगाएंगे, जब कभी भी आप सपोर्ट करेंगे और जब कभी इंशाल्लाह ताला ग्रो करेंगे तब इंशाल्लाह टूर करेंगे, तो तब ये इस्तेमाल हो जाएगा। अभी टाइम 6:11 हो गए, तो अभी चलते हैं बाहर तरफ घूमने फिरने के लिए और लेके चलते हैं अपनी ये वाली बाइक। तो 3-4 दिन हो गए हैं इस बाइक को बाहर नहीं निकाला, तो इसे बाहर निकालना और स्टार्ट करना लाजमी है 2-3 दिन बाद, नहीं तो इसकी बैटरी ना वो बैठ जाती है। तो आज चलते हैं बाहर और देखते हैं कुछ तूफानी करने की कोशिश करते हैं, अगर तो जो मैं सोच रहा हूँ वो हो गया तो फिर आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर एक मरतबा घूम फिर गए चक्कर लगा के आ जाएंगे। तो चले चलते हैं। अभी हम आ गए हैं अपनी लोकेशन पे, तो ये लोकेशन है पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ियाँ छोटी छोटी बनी हुई हैं मिट्टी की। तो वैसे ये जो मिट्टी है ना ये भट्टे वाले इस्तेमाल करते हैं ईंटें वगैरह बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे आ गए। तो मेरे साथ मुजम्मल आया हुआ, तो देखते हैं यहाँ पे बाइक चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी यहाँ पे, और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने की ना कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे ईंटें वगैरह भी बन रही हैं, तो यहाँ से ना थोड़ी सी बाइक ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बाइक जो हमारी इतनी कैपेबल है कि नहीं है कि वहाँ पर चढ़ सके। मैं तो यहाँ से चढ़ाऊँगा, तो देखते हैं चढ़ सकती है कि नहीं चढ़ सकती। मैंने तो सोचा था यहाँ पे बाइक चढ़ेगी नहीं, तो बाइक चढ़ गई, वो नीचे से ना नीचे से वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है। तो देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे हम आ गए हैं। तो अभी हैं ओ नहीं नहीं, नहीं, नहीं इधर उल्टो भाई है भाई, नहीं उधर ही। तो अभी मैं देखता हूँ किसी और जगह से ना उतारते हैं जो ज़्यादा डिफिकल्ट हो, तो वहाँ से देखते हैं उतारने की कोशिश करते हैं। यहाँ से भी नहीं उतरेगी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मिट्टी है जो गिली की है, और यहाँ पर दरारें ज़्यादा आगे भी नहीं जाएंगे, मिट्टी गिर सकती है। तो अभी देखते हैं किस जगह से उतरते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ कोई और
एक सामने पहाड़ी वो तो वहाँ पे तो नहीं आएंगे, यहीं से कर लेंगे जो भी करना होगा। तो अभी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे बाइक चढ़ाने की, देखते हैं यहाँ पे चढ़ती है नहीं चढ़ती, फंस जाएगी मुझे डर है कि बाइक ना गिर ना जाए, तो अगर बाइक गिर गई ना यहाँ से तो फिर मसला बन जाएगा। हाँ कितने, एक मिनट रुक थले चल जाना था थी। ना ना। वे वो मिट्टी उधर से बिगड़ी है। चले अभी ना यहाँ से बाइक उतारते हैं। चले ठीक है अभी यहाँ से बाइक उतारते हैं। ये चेक करें ये सारी ईंटें ना यहाँ पे बनी पड़ी हैं, तो इधर कोई नहीं है, ये नहीं आपने ध्यान दिया। बट्टा वो सामने बट्टा है और ये यहाँ ईंटें बनेगी फिर यहाँ पे सूखती हैं इस तरह, यहाँ पे पड़ी है सूखे, ये गीली ईंटें होती हैं फिर सूखे उस तरह, फिर यहाँ से उठा के वहाँ बट्टे में जाके ना फिर पकाते हैं। वो जगह होती है ना जहाँ पे मिल जाए तो उस हिसाब से बना लेते हैं। चलो फिर चलते हैं। हांडी पका लेते हैं, पता नहीं क्या पक रहा है अभी। यहाँ पे टमाटर कटे पड़े हैं, वो लहसुन पड़ा और यहाँ पे प्याज जो है वो भूनने के लिए रख दिए। तो कभी कभी इस तरह के काम मैं भी कर लिया करता हूँ, कैमरे में नहीं दिखाता और काम कर लेता हूँ। तो फिलहाल एडवेंचर की कोई खास जगह हमें मिली नहीं तो फिर हम घर ही आ गए थे, तो वहाँ पे सिर्फ सीधी सीधी पहाड़ी थी, मैं जा रहा था कोई ऊँच नीच जो यहाँ पे बाइक को थोड़ा सा टेस्ट कर जाए, लेकिन इस तरह की जगह अभी फिलहाल पर नहीं मिली। नेक्स्ट कभी मिलेगी तो फिर कभी जाएंगे वहाँ पे और वहाँ जाके फिर कोशिश करेंगे एडवेंचर करने की। काफ़ी है मेरे ख्याल से है ना, बहुत है। वैसे अभी मतलब कि मौसम की काल है तो वो बाहर खड़ा है, तो उसे बचाने ना दांत जो है तो उसे बुखार चल गया, तो उसकी जो है थोड़ी सी पूछ लेते हैं, कहते तो मोबाइल बंद कर लें क्या चली जा रहा है, तो उससे उसकी सेहत का पूछ लेते थोड़ा सा, तो बाहर ही खड़ा है। वालेकुम अस्सलाम मलक साहेब, एक तो ना मेरे मोबाइल की जो फ्लैश है मेरा ख्याल बंद नहीं हुई, बंद हो जाएगी थोड़ी देर तक। तो वो मलक साहेब क्या हाल चाल, ठीक ठाक शुक्र अल्लाह। कल दाल कढ़ाई थी, तेरा हाल चाल ही मैंने पूछा, मैं क्या बुखार चढ़ गया वा और बाकी दर्द दर्द दे बेची रेशा वो सी ना। अच्छा दर्द आ रही दर्द, हां वो मेडिसिन खाती सुबह भी तो शाम भी, हां लेकिन फर्क पै गया वा, लेकिन है ये مزید اپوتنا نہیں چلا صحیح صحیح रेशा हैगा चलो कोई नहीं अल्लाह सेहत है। तो बाकी अभी हम बातें चाहते करते हैं अपनी, अभी खा लेते हैं रात का खाना, तो देखते हैं क्या बन रहा था, जो पक रहा था वो देखते हैं क्या पका अभी। भाई ये पका है मटन का शोरबा, क्या मजा आता, क्या बात है, मेरा भी मेहनत लगी इसे पकाने में, तो अभी खा लेते हैं इसे। चली गई अभी, चली गई है बिजली, तो मैं आ गया ऊपर जनरेटर चलाने के लिए, देखें हर तरफ ही अंधेरा ही अंधेरा हुआ पड़ा, तो बिजली चली गई अभी, तो अभी मैं जनरेटर स्टार्ट कर देता हूँ। न्यू बैटरी इस तरह फिट कर दी हमने बाहर रख के, पता नहीं गैस है कि नहीं, जनरेटर स्टार्ट तो नहीं हुआ अभी, अभी गैस बंद है जनरेटर की तो वो चलाते हैं, तो बूथ अभी स्टार्ट होगा, अभी देख लेते हैं आ गई गैस कि नहीं, आ गई है गैस, चले चले जनरेटर तो हो गया स्टार्ट। तो इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे ख़त्म, उम्मीद है कि आपको आज वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।